जी चांपा जिले में चल रहे रेत के अवैध कारोबार को रोकने के लिए प्रशासनिक अमला हरकत में आ चुका है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार लॉकडाउन के समय में खनिज विभाग ने 274 मामले बनाए गए हैं, जिसमें 31 लाख से ज्यादा जुर्माना लगाकर राजस्व की वसूली की गई है। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खनिज अधिनियम में कोई कड़ा प्रावधान नहीं है, जिसके चलते जब्त गाड़ियों को जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है। लगातार जिले के सभी क्षेत्रों में खनिज के अवैध उत्खनन परिवहन भंडारण पर कार्रवाई कर रही है। विगत 4 माह में लगभग 274 प्रकरण जो है अवैध उत्खनन और परिवहन के दर्ज हुए हैं, और इसमें जो है इन अवैध उत्खननकर्ता या परिवहनकर्ताओं से 31,31,180 रुपए अर्थदंड वसूलकर खनिज विभाग में जमा कराया गया। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां छिंदवाड़ा शहर के लोगों में